खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स द्वारा बैंक ऑफ इंडिया हरदोई के सौजन्य से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान माध्यम से संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रधानमंत्री सुजन कार्यक्रम के अंतर्गत 9 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रशिक्षार्थी प्रीति जो मसाला बनाने का प्रशिक्षण ले रही थी, प्रमोद कुमार कृषि यंत्र के संचालन, प्रदीप कुमार यादव बाइंडिंग उद्योग रोली बाइंडिंग उद्योग, रोली वर्मा सिलाई उद्योग, प्रमोद कुमार शीट कवर निर्माण, विक्रम श्रीवास्तव व कृष्ण कुमार तेल उद्योग व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण ले रहे थे तथा उनसे भविष्य में बैंक से लोन प्राप्त करने, उद्योग हेतु कच्चा माल प्राप्त करने एवं तैयार माल की मार्केटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी की गई। निरीक्षण के समय LDM BN शुक्ला, निदेशक RK पांडे, निदेशक एवं पंकज सचान उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिवसीय उद्यमी विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 29 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 14 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उद्यम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें उद्यम का स्थापना, उद्यम का विकास, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, प्रभावी वार्तालाप, PMEGP योजना, स्वप्रेरणा, निर्भरता तैयार, व्यावसायिक योजना तैयार करना, समय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, स्थायी पूंजी, मांग आपूर्ति, मार्केटिंग गतिविधियां, बैंकिंग, आय व्यय विवरण इत्यादि शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से एवं पूर्णता पालन किया जाएगा एवं जारी SOP के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाया जाएगा। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।